हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ये गट्टे की सुपर सॉफ्ट सब्जी। मसालेदार, तीखी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बनकर के तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी ग्रैम्फला लिया है, यानी कि बेसन। इसी के साथ कुछ मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और अजवाइन को क्रश करके इसमें डाल देना है। और उसी के साथ हम थोड़े से खड़ा धनिया सौंफ को अच्छे से दरदरा पीस कर इसमें डाल देंगे। और उसी के साथ अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें मूंगफली का तेल ऐड करेंगे, ताकि इसमें मोइन अच्छे से हो जाए और गट्टे बहुत सॉफ्ट ही बने। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है इस तरीके से। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से गुन गया है। ये देखिए, बहुत अच्छा बनकर के तैयार हुआ है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई अलग अलग तोड़ करके इस तरीके से रख लेंगे और हम इसके गट्टे बना करके तैयार करेंगे। थोड़ा सिलेंडर शेप में इनको इस तरीके से बेल लेना है और हमें इनकी 1 इंच तक मोटाई तो रखनी ही है। ये देखिए, इस तरीके से इतनी मोटाई रखी है मैंने। और इन सारे गट्टों को इस तरीके से तैयार करके रख लेंगे। और हमें गट्टे बन करके तैयार होने के बाद अब हम उबलते हुए पानी में इनको डाल देना है। पानी उबलता हुआ ही होना चाहिए। इसके बाद गट्टों को इसमें एक एक करके डाल देंगे। इनको पकने में 10 मिनट का टाइम तो लगता है। जब ये पक जाते हैं तो इसके ऊपर ऐसी बबल से बन जाते हैं। इसके बाद अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इनको 1-1 इंच की साइज़ में अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके की इस साइज़ के काटे हैं। अगर आपको थोड़ा और मोटा रखना है तो उस तरीके से काट लीजिए, पर ये साइज़ इनके लिए परफेक्ट है। इस तरीके से सारे गट्टों को काट लेने के बाद हमें इनको तेल में फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या है, गट्टे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और एकदम मुँह में घुल जाने वाले बन करके तैयार होते हैं। तो हमेशा इनको आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरीके से डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सब्ज़ी में डालने के बाद गट्टे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो इस तरीके से बनाने पर गट्टे बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे और आप इनको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने ऑयल के साथ जीरा, खड़ी मिर्च, हींग और खड़ा धनिया और सौंफ और इसी के साथ कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। और इन सबको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप दही के मिक्सचर के साथ और टमाटर की प्यूरी के साथ भी इसको बना सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब दही लिया था, उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच के करीब ही इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके इसी मसाले में ऐड करेंगे। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हमें ये वाला मिक्सचर इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मसाले को स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। जब ये पक जाएगा तो इसमें से ऑयल अपने आप ही अलग हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और ये देखिए, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर रही हूँ। इससे क्या है, सब्ज़ी का बहुत अच्छा कलर आएगा। और हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। मसाला अच्छे से पक कर के तैयार हो गया है। अब जो गट्टे का बचा हुआ पानी था उसी को मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देना है। इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद जब सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम सारे गट्टों को इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और गट्टे डाल देने के बाद हमें इसको 5-10 मिनट के लिए और पकाना है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया डाल करके ऊपर से इसको गार्निश कर लेना है। गट्टे की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट गट्टे बनकर के तैयार हुए हैं। प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।